हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक डार्क अंडरआर्म की ऐसी रेमेडी शेयर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को इससे काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है, यानी कि खाने का सोडा। उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेना है। आप चाहें तो मार्केट का भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, या फिर आप चाहें तो लीव्स का भी एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको 1 टीस्पून लेमन जूस लेना है, और इन तीनों चीज़ को आपको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आप अफेक्टेड एरिया पे इसे अप्लाई कर दें, एल्बो पे या फिर नी पे, या फिर डार्क अंडरआर्म्स जो आपके हो गए हैं, आप उसे अप्लाई करके 2 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपको 5 मिनट तक इसे स्क्रब करना है, हल्के हाथों से 5 मिनट तक आप इसे स्क्रब करते रहें। उसके बाद इसे स्क्रब करके अच्छी तरह से छुड़ा दें। आपको ये हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार करना है, तब आपको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इसे हल्के गुनगुने पानी से धो देना है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।